इत दरबार तो आंदे हो? नहीं मैं नहीं घर कित्थे ततराली ततराली अच्छा 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 तो इत्थे डेली हाजरी आंदी है जड़े शख्स है ना जी जी सारा कुछ जिसमें आया अच्छा सही है और अपनी सेहत ठीक है खूब खटाया खूब खटा के बाद लग पे थोड़ा थोड़ा कर दिते तो तू सही नहीं महाराज अल्लाह पाक सुहास जिंदगी देवे ते असी जी आज आए हैं इत्थे दरबार दे उत्ते हुण बाबा जी कोई फरमा रहे हैं तो बाबा जी रां दी कोई गलबात सुनदे आ जी पानी खराब मामा उनका कहने हथे झोपड़ा बनाया माशाल्लाह माशाल्लाह इत्थे तल्ले जड़ा ना ए चिलगा आई ना चिलगा आई चिल्ला कटिया ना बाबा जी और मैं आना ना बच्चा कल भी कसम कर गया ना मैं जितनी भी सिर्फ कर ही नहीं सकता जी इंज गल कुरान शरीफ दा होता राती एक जख्मी कर गया पैसे मार सारी रात बोंगा रहा फकीर पर नहीं बन मन बड़ला हाली आए नाप के जाने सही जाने जिस पर मैं ना था का फकीर है रहा बन मडम मुर्शिद जी माशाल्लाह जी यहाँ पे देखें दरबार शरीफ पे बहुत ज़्यादा कबूतर और बहुत ही प्यारे ये कौन सा दरबार है जी ये पीर मकाम है तो यहाँ पे मैं और आकिफ भाई आए हैं तो आज का ब्लॉग जो है यहाँ पे ना कंटिन्यू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम आ गए हैं जी पीर मकाम शरीफ पे और यहाँ पे आपको सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से काफ़ी तादाद में कबूतर यहाँ पे हैं जी। इन कबूतरों को अक्सर हम ना यहाँ पे जब आते हैं तो दाना वगैरह डालते हैं। आज अचानक हमारा यहाँ पे आना हुआ है और मेरे साथ जनाब यहाँ पे आकिफ साहब हैं। आकिफ साहब सुनाओ क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक सुनाए। रोजे वगैरह कैसे जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ते आओ नजर आ गया चलते हैं नाल है थोड़े व्यूअर्स दे नाल गल बात भी करते हैं। सबसे पहले तो जनाब आपको ये बताऊँ कि इतने दिन से मैं क्यों गायब था। आकिफ भाई को भी पता है जब भी अक्सर ना मुझे रोज़ आकिफ भाई की कॉल आती है कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाएं तो हम इनका जी छोटा सा सेटअप है तो वहाँ पे हम बैठ के गपशप लगाते हैं। बिल्कुल। तो हमारी डेली जो है ना गपशप इस टॉपिक पे ही होती है यूट्यूब के हवाले से। आपने क्या सीखा है इतने अरसे मुझसे जो पूछते रहे हैं? सीखा तो बहुत कुछ है, अगर बताना शुरू करें तो सुबह से शाम और शाम से रात हो जाए। अच्छा अच्छा। इसलिए यहाँ पर तो अभी कुछ नहीं बता सकते। तो वैसे ये ही कुछ सीखा है कि जनाब यूट्यूब एक ऐसी कंटेंट है, ऐसा प्लेटफार्म है जिसे आप ठीक ठाक अर्निंग हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको मेहनत ज़रूरी है। मेहनत तो बहुत ज़रूरी है ना जी, हर शोबे में हर काम में जिस चीज़ पे भी आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाबी अता फरमाएगा। मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज के इस व्लॉग के अंदर चंद अहम बातें आपके साथ शेयर करूँगा। एक महीने से मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमने ना आकिफ भाई तुसी ओ गल को नहीं दसी अपने व्यूअर्स नूं कि मैं एक महीने तो असी केड़ी डिस्कस करते रहे हैं इस। चलो ये तो मेरा मेरा जड़ा ना व्लॉगिंग चैनल है ना, इस तो हट के असं कड़े टॉपिक तो गल करते रहे हैं, केड़ा कंटेंट तो असा ज़्यादातर जड़े साढ़े वकास अनवर साहब हैं जिन्हें तो असा ना देन कि ऐ तुसी वीडियो बनाओ, वो केड़ा टॉपिक है? अस जनाब मुख्तलिफ कंटेंट्स डिस्कशन की है, हुण उस दे विच इंग्लिश कंटेंट्स भी हैं, ट्रैवलिंग भी है और ईटीसी बहुत सारा कुछ है। इंज 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 तो जनाब ये गल मैं हूँ दसना चाह रहा कि तुहाड़े नाल थोड़ी जी उर्दू भी गल करे सा तो पंजाबी दे विच गल भी करे सा क्योंकि साडा कल्चर है पंजाबी दा, नाल जिहड़े ब्राह हुंदे ना उन्हां नाल थोड़ी पंजाबी बोलनी पै वैंदी, अगर उन्हां दे नाल उर्दू विच गल करिए तो थोड़ा जिहा ना मज़ा नहीं आंदा, तो इस वजह तो थोड़ी जी पंजाबी जिहड़ी ना बोलनी पै वैंदी है। तो अज तुहानू इस व्लॉग दे अंदर मैं ये दस रहा कि कोई काम करन तो पहले हमारे को एक स्किल होना ज़रूरी है, स्किल तो बहुत ज़रूरी है ना जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब भी आकिफ भाई के पास हमारा वहाँ पे बैठना होता है हमारे साथ, हमारे सीनियर वकास अनवर साहब, शायद आप उनको नहीं जानते होंगे, बड़े
माशाल्लाह से फेमस सेलिब्रिटी हैं जी, फेमस शख्सियत हैं। उनका नाम आपको बता दिया, लेकिन चैनल के हवाले से अगर आपको बताऊँ, पुरइसरार दुनिया के नाम से चैनल था उनका जो वो चला रहे थे। तो अभी वो इंग्लिश कंटेंट पे काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें जो है ना मशवरा दिया कि आप भी इंग्लिश पे वर्क करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई भी काम आप करने से पहले आपके पास एक स्किल होना बहुत ज़रूरी है। तो समझे कि हम वो स्किल सीख रहे थे इंग्लिश कंटेंट पे, हमारा चैनल अल्हम्दुलिल्लाह से स्टार्ट हो गया है। हमने ये सोचा है कि हम ना जो हमारा ये मेन चैनल है व्लॉगिंग के हवाले से, इसको भी कंटिन्यू किया जाए, क्यों क्या ख्याल है? बड़ी ज़रूरी है जनाब। तो आज यहाँ पे आए हैं माशाल्लाह से। अच्छा है, इस साइड पे देखो ना पूरा ये माशाल्लाह कुआं ने सारा कबूतरों का, ऐ देखो ये अंदरों तो सुन में ना तक आ सकता, लेकिन इतों दूर तो इस वन में तो कहना कि ये तले जड़ा ना पूरा मुकम्मल कुआं है। तो अंदर सामने कितना खूबसूरत कबूतर जी, कबूतर अंदर जड़े ना माशाल्लाह दरबार दे सारे कबूतर। तो अगे चलते हैं जनाब दरबार वाली साइड पर, इस साइड पर चलिए। चलो यहाँ पे हर तरह के हर नस्ल के कबूतर यहाँ पे हैं, ये देखें लक्के भी हैं और इसके अलावा आसमानी सारे कबूतर यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इतने अरसे से मैं कहाँ गायब था, गायब तो नहीं था। हमारा इंग्लिश चैनल भी है जी, उस पर भी हम वर्क कर रहे हैं और न्यूज़ के चैनल जो हैं उन पर भी हम वर्क कर रहे हैं। आज माशाल्लाह से 17वां रोज़ है ना जी, 17वां, हाँ जी 17वां रोज़ है। और पंजाबी क्या दिन 17वां, 17वां उर्दू में कैसे बोलते हैं? 17 नहीं है, इंग्लिश बता रहे हैं। अच्छा जी, तो ये कह रहे हैं जी इस साइड कौन कह दें? अच्छा मैं थोड़ी गल, अच्छा ये कह रहे हैं जी 17 बोलते हैं, तो पंजाबी में क्या कहते हैं? 17वां। तो उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में 17 बोलते हैं, 17। अच्छा 17वां रोज़ा है जी जनाब, और आज 17वें रोज़े में हमने सोचा है कि दरबार शरीफ पे हाज़री देते हैं, और आज दरबार से ही हमने अपने व्लॉगिंग का दोबारा से आगाज़ कर दिया है। इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर आपको ट्रैवलिंग, डेली रूटीन, विलेज लाइफ और इसके अलावा आपको की बात कर रहे हैं, तो फिर सरसब्ज आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं? ये सर जी ये सारा माशाल्लाह है, देखो ना जनाब वो पीछे पहाड़, ये सरसब्ज और ये चीज़ें किधर देखने को, बहुत ही खूबसूरती है जी। और अगर ये आपके व्यूवर्स देख रहे हैं और उनको पसंद आ रहा है, तो फिर उनको चाहिए कि एक लाइक और शेयर अपनी फैमिली के साथ। सर व्यूवर्स माशाल्लाह से मेरे काफ़ी एक्टिव हैं। अच्छा, और मैं अगर ना भी कहूँ तो उन्होंने लाजमी मेरी वीडियो को वॉच करते हैं और लाइक भी करते हैं, चैनल को लाजम सब्सक्राइब भी करते हैं। तो इंशाल्लाह सून मैं आपको इस चैनल की, मैंने जो वादा किया था अपने व्यूवर्स के साथ कि आप अपनी जो है इस चैनल की जो फर्स्ट अर्निंग थी वो भी शो करवाऊंगा, तो आज इस व्लॉग में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ज़रूर मैं अपनी जो है ना फर्स्ट अर्निंग आपको सबको दिखाऊंगा। ठीक है, दिखाएंगे या कुछ और भी सर, और भी कोई पार्टी वगैरह करेंगे ना, कोई क्या कहते हैं? मैं तो कहता हूँ कि एक इफ्तार पार्टी कर लेते हैं। ठीक है, इफ्तार पार्टी क्या क्या कहते हैं? ठीक नहीं है, चलें इफ्तार पार्टी, मोहब्बत प्यार जो होता है वो तो दिलों का होता है, ये बकाया तो साहिल लवाजमात ही होते हैं जनाब। इफ्तार तो पार्टी करेंगे और इसके अलावा आपको इंशाल्लाह भरपूर मज़े मज़े के व्लॉग देखने को मिलेंगे। अभी हमने जनाब हाजिरी दी है दरबार शरीफ पे और वापसी घर की तरफ। आके भाई चलिए जी, चलें जी, आ जाओ फिर। मैं और आकिब भाई दरबार से वापस आए, उसके बाद मैं बाज़ार गया बाजरा लेने, बाजरा लेके आया, मुर्गियों को बाजरा वगैरह डाला है, अभी ये पानी वगैरह पी रहे हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है? आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक, और इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।